सो डियर यूर्स वेलकम अगेन एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्सट और क्वेश्चन ऑफ़ द लेसन शेख नूर उद्दीन वाली बाई प्रोफेसर जी आर मलिक वी हैव एड ऑलरेडी फिनशियड द टैक्सट ऑफ दिस वेरी लेसन तो लेसन का जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी हमने देख लिया वट दिस लेसन इज ऑल अबाउट इसके जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं तो आज हम इसके जो टेक्सचल क्वेश्चन है वो देखने की कोशिश करेंगे वाई डिड शेख नूरुद्दीन वली एंटर द केव क्या ऐसे वजूहत थे क्या ऐसे रीजनज थे जिसकी वजह से शेख आलम ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में गार नशीनी इख्तियार कर ली दैट यू स्पेंड समीज़ लॉन्ग ईर्स इन द केव तो बारह साल उसने उस केव इस गुफ़ा में बिताई द शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह रम् एंटर द केव इन ऑर्डर टू पैन एंड हिज प्यिफाईल शेख आलम ने अपनी ज़िंदगी की का के जो काफ़ी जो टाइम इस केव में इसलिए बिताया ताकि वो एक तरह की पेनस कर सके एक तरह की तपस्या इबादत इबादत या रियाजत कर सके एंड प्योरीफाईज सेल्फ़ और जो अपना नफज होता है उसको प्योरीफाई कर सके अपनी जो ख्वाहिशात नफसानी ख्वाहिशात होती हैं उन पर कंट्रोल कर सके ही ट्रेनड एंड प्रपेयर हिमसेल्फ स्परिचुअली और ये एक तरह की उसके लिए एक ट्रेनिंग थी एक प्रोबेशन थी एक प्रपरीशन थी जो स्परिचुअली उसको प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि फ्यूचर में जो उसको काम करना था ही एड ट दी इन इस्लाम इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वैली तो उसके लिए ये एक तरह की ट्रेनिंग एक प्रपरीशन uh, या एक प्रोबेशन थी जिसकी वजह से शेख आलम ने कुछ टाइम के लिए यह गार नशीनी इख्तियार कर ली दैन देअर इज क्वेश्चन वट मेड पीपल फ्लॉक टू द शेख क्या वजह क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से लोग शेख आलम के इर्द गिर्द जमा हो गए उसके मतदीद बन गए उसके डिसपल्स बन गए उसके फॉलोवर्स हो गए शेख नूरुद्दीन वली वाज़ा, वली रम टू सेंट शेख नूर उद्दीन वली हकीकी में ए, हकीकत में एक सेंट थे एक ऋषि थे एक सूफी बुजुर्ग थे पीपल फ्राम एवरी नो कैंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर टू तो 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 गेट सुपरिचुअल गाइडेंस और उसके अपने वक्त में ही कश्मीर के अलग अलग इलाक़ों से लोग आते गए ताकि वो इससे एक रूहानी फैज़ एक रूहानी गाइडेंस एक तरबियत हासिल कर सकें एंड दैन दियर इज़ वट डज शेख उम मन ये जो शेख उम जो लफ्ज़ है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है चूँकि अरबी ज़बान से ये लफज़ आया है द्रेज़ शेख उमी इज़ दिचुल गाइड ऑफ दर्ल्ड और वर्ल्ड स्टैचर शेख उम जो लफ्ज़ है, है इसके मीनिंग बनते हैं स्परिचुलल गाइड एक रूहानी रहनुमा एक रूहानीबर्दार एक रूहानी बुजर्ग ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया को फैज दे सकता है और सेंट ऑफ ए वर्ल्ड स्टेचर या एक ऐसा बुजुर्ग एक ऐसा सेंट एक ऐसा संत ऑफ द वर्ल्ड स्टेचर जो आलमी सतह का हो जो एक वर्ल्ड लेवल का हो वट काइंड ऑफ़ लाइफ डिड शेख आलम लेड तो शेख आलम ने किस टाइप की ज़िंदगी बिताई किस टाइप की ज़िंदगी गुजारी शेख आलम लेड अ सिंपली लाइफ शेख आलम ने अपनी ज़िंदगी बड़ी ही एक मुकद्दस एक होली एक बाइस ज़िंदगी गुजारी ही लेड ए लाइफ ऑफ सिम्पलिस एंड ट्रुथफुलनेस उसने बड़ी ही सादगी बड़ी ही रास्त बाज़ी सच्चाई और तकवा से भरी ज़िंदगी गुजारी एंड दैन देशन फाइव वट डिड शेख उम टीच टू दीपल शेख उम ने लोगों को क्या चीज़ पढ़ाई किस चीज़ का दरस दिया किस चीज़ की तालीम दी शेख उम टीचड सिंपल गॉस्पल ऑफ द फ्यर ऑफ़ गॉल एंड अकाउंटबलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ शेख उम ने जो दीन की तलीम दी वो बड़ी ही सादा अंदाज में सादा अल्फ में दी और वो ये था कि गोस वाला द फर ऑफ गॉड आप एक खुदा से डरो एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम आफ्टर डेथ क्योंकि मरने के बाद आपको उसके सामने खड़ा होना है यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर यक्शन आफ्टर डेथ बिफोर गॉड मरने के बाद आपको अपने रब के सामने खड़ा होना है और आपने आपने जो अमाल किए हैं जो काम किए हैं उनका हिसाब देना है कॉमिटमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ शेख उम ने सच्चाई पे रास्तबाजी पे बड़ा ही एक इसका फ़ोकस था वो चीज़ भी हमें इसकी तालीमत में नजर आती हैं लव और जो मोहब्बत अख़ूत एक दूसरे के साथ हमदर्दी इन चीज़ों की भी तालीम दी एंड सर्विस ऑफ मैन काइंड और, और इंसानियत की खिदमत या इंसानियत की सेवा या इंसान दोस्ती तो यही चीज़ें भी हमें शेख आलम की जो तालीमत हैं उसमें यही सब चीज़ें नज़र आती हैं दैन देयर इज़ वट मॉरल लेसन डू यू लर्न फ्राम द लाइफ ऑफ शेख आलम आपने क्या इखलाकी दरस हासिल किया है जो शेख आलम की हयात सवान हयात हैं या इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है तो उससे आपने क्या चीज़ हासिल की है वट लेसन यू हैव लर्नड फ्राम द लाइफ ऑफ शेख आलम द लेसन शेख उशेख नूर वली टीच अस टीच अस ए मॉरल लेसन शेख आलम की जो ज़िंदगी हैं जो इसकी तैलीमत हैं उससे हमें एक अखलाक इससे हमें अखलाक एक दरस मिलता है कॉमिटमेंट टू द प्रिसिपल ट्रुथ के आप सच्चाई पर कायम रहो जस्टिस इंसाफ करो एंड लव एंड सर्विस टू मैन कैट और इंसानियत की खिदमत करो इंसानियत की मोहब्बत अपने दिल में रखो देआर फोर इन टू मेक आवर सर्लव मॉरली साउंड अपने आप को अखलाक तौर पर ठीक करने के लिए वी शुड इनकलगेट द मॉरल पीच बाई द शेख हमें चाहिए कि हम अपने आप में वो इखलाक Uh, वो चीज़ें पैदा कर सके जो शेख उम ने हमें सिखाई हैं लाइफ ऑफ ट्रूथफुलनेस एक सच्चाई की ज़िंदगी जस्टिस इंसाफ़ पे मबनी ज़िंदगी एंड लव शुड बी द एम और जो यूनिवर्सल लव है लव टू वार्ड्स ह्यूमैनिटी एंड लव टू वर्ड्स द क्रिएशन ऑफ गॉड अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके साथ प्यार करना देट शुड भी द एम ऑफ एवरी इंडिजुअल वो हम में से हर एक बंदे का मकसद होना चाहिए ही आल्सो टीचर्स दैट ट्रू सेंट इज़ नॉट वन हु एस्केप्स फ्राम लाइफ बट वन हु डज द ड्यूटीज़ ऑफ इज़ लाइफ ऑनेस्टली एंड हम्बली और शेख आलम ने हमें जो चीज़ समझाई वो ये है कि एक ट्रू सेंट एक हकीकी संत एक हकीकी बुजुर्ग, एक हकीकी ऋषि वो नहीं होता जो ज़िंदगी से राह फरार अख्तियार करे जो लाइफ की जो रेस्पॉन्सिबलिटीज़ हैं ड्यूटीज़ हैं उनसे भागे बल्कि बट वन हु डज़ द ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ ऑनस्टली एंड हमली बल्कि सच में एक ऋषि एक संत एक बुजुर्ग एक नेक बंदा वही होता है जो अपनी ज़िंदगी की, की, की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसकी जो रेस्पॉन्सबिलिटीज़ हैं टॉआार्ड फैमिली फ्रेंड सोसाइटी एंड अदर्स तो टॉर्ड्स द क्रिएशन ऑफ गॉड तो वो पूरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करे ऑनेस्टली एंड हम्बली बड़ी ही ईमानदारी के साथ और बड़ी ही इनके से सो डियर योर दीज वायर द टेक्सटअल क्वेश्चनस ऑफ़ द लेसन शेख नूर उद्दीन वली रहा उम्मीद है आपको ये समझाए होंगे और इनको समझने के लिए बेटर है कि आप जो लेसन में के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं जो इसका टेक्स्ट हैं वो चीज़ आप पहले देख ले तो इसके बाद यहाँ पे कुछ इसमें ग्रॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे दैट्स अस्टर अस्टर मीन सिंपल विदाउट लग्जरी कोई भी ऐसी चीज़ बड़ी सादा हो जिसमें कोई लगजरी कोई हाव भाव का को, कोई एलिमेंट ना हो एंड दैन दियर इज हर्मिट हर्मिट मीनस टू लिव एलोन कोई ऐसा बंदा जो तारक दुनिया हो जो एक अलग जिंदगी बिताए अवे फ्राम पीपल अवे फ्राम सोसाइटी लोगों से सोसाइटी से दूर भागे बिल्कुल तनहाई अख्तियार करे गोशा नशीन अख्तियार करे दैन दियर इज पैन पैनन्स मीजे एंड पेनफुल स्परिचुअल एक्सरसाइज अपने आप को बड़ी सख्त और बड़ी ही एक तकलीफ दिचुल रूहानी एक्सरसाइज तपस्या करना काम करना अपने नफस को अपना जो एक इनर सेल्फ है उसको ट्रेन uh, करना तो बाई द यूज ऑफ रिजिड एंड पेनफुल स्परिचुल एक्सरसाइज कुछ ऐसे तकलीफ दे चीज़ें करना या बड़ी ही सख्त चीज़ें करना दैन देयर इज एसेटिक वन लीड्स ए हॉर्मेटिक लाइफ राहिब जिसको आप कहते हैं वो जो एक हरमिटिक एक वो आश्रम वाली जिंदगी बिताए जहाँ पे इसके लोगों के साथ बिल्कुल ज़्यादा कुछ मेल जोल ना हो न देर इज मोनास्टिक हर्मिटिक एस्केपिस्ट वो जो हर्मिटिक होते हैं राहब होते हैं जो सोसाइटी से दूर लोगों से दूर कहीं जाके तपस्या करते रहते हैं एस्केपस्ट वाहू एस्केप फ्राम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी एंड दिस मंडेन लाइफ ये रोज़मर के जंजट से जो तो दूर भागते हैं जो जैसे वो बुद्ध भिक्षु होते हैं पाइटी पाइटी मीन रिलीजियस डिवोशन जो एक मजहबी एक वो डिवोशन होती है एक अकीदत होती है या एक वो पाकिज़ की होती है दैन देर इज स्कॉन अ चाइल्ड और डिसेंट ऑफ फैमिली किसी खानदान का जो सपूत होता है जो औलाद होती है तो उसको स्काइन कहते हैं दैट स्ट्राइक ए कॉइन इंस्क्राइब ए नेम ऑफ ए पर्सन ऑन ए कॉइन एज अ मार्क ऑफ ऑनर तो सिक्के पे किसी का नाम या किसी की जो शकव वो खुतबा करना उसमें वो बनाना तो उसको स्ट्राइक अकॉइन कहते हैं या इंस्क्राइब करना इंस्क्रिप्शन जैसे होते हैं तो किसी का नाम या किसी का जो मार्क है तो वो सिक्कों पे या किसी चीज़ पे बनाना तो इसको स्ट्राइक कोइन या इंस्क्रिप्शन जैसे होते हैं वो चीज़ें जो होती हैं तो डियर आर व्यू ये थी हमारे टेक्सटॉप क्वेश्चन तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लैंग्वेज वर्क तो लैंग्वेज वर्क हम देखेंगे ये क्या है एंड देन देर इज़ राइटिंग वर्क यहाँ पर राइटिंग वर्क पर एक क्वेश्चन है और इसके बाद डिस्कशन है एंड फाइनली देर इज सजस्टेड रीडिंग सो इनशाला इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वेरी क्वेश्चन उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी और इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू